और सॉफ्ट ये देखे फिर रहेगी यहाँ नहीं रहेगी. दिस इज माय वो जो ने कहा है कि हमें पराठे कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है कब से वहां से निकाल कर शाम उठ जाओ मेरे बेटे उठो जरा शाम उठ जाओ मेरे बच्चे देखो 9 o'clock हो गए हैं. ये होती है हमारी संडे की रूटीन. उजैर भी जाके वो चला गया वॉशरूम में और मैं जाके बनाऊंगी चाय. संडे को ही ज़रा लेट जागते हैं और लेकिन नाश्ते की हमारी सेम यही रूटीन होती है. फ्रूट्स होते हैं सुबह सुबह और उसके बाद साथ मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो टी पीते हैं. बच्चे भी सुबह शेक लेते हैं स्मूदी. मैं खुद वही लेती हूँ. पहले बिल्कुल मेरी आदत थी. उज़ैर भी अभी जाग गया है. पहले मेरी आदत थी कि मैं डायरेक्ट पहले टी पीती थी और उसके बाद नाश्ता करती थी. लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि फ्रूट शेक जो है वो पहले मैंने पीना होता है. पानी के साथ बना होता है. चाय बिल्कुल हमारी मेन चाय नहीं होती लेकिन दूध के अंदर बस थोड़ा सा पानी ऐड करके ऑलमोस्ट ये दूध पत्ती होती है. बस हमें यही आदत है. फुल मग भी नहीं होता और हाफ भी नहीं होता. बस ये कर लें कि इतना ही होता है जितना आपको नज़र आ रहा है. और उसके साथ फ्रूट और ये एक ग्लास होता है. ये सिर्फ एप्पल हैं और अंदर 3 to 4 आमंड होते हैं. बस वो ब्लेंड करके ना तो सुबह मैंने पीना होता क्योंकि मेरे से ना एप्पल खाया नहीं जाता. और इसके बाद जनाब ये है पानी. मैंने बहुत ज़्यादा बताया हुआ है आपको कि सुबह मैं पीती हूँ. बस साथ वाटर बॉटल रखूँगी 3-4 ग्लासेस पानी के पीऊँगी फिर शेक पीऊँगी और ऊपर से चाय. अब क्योंकि उज़ैर भी जाग गया था तो बच्चों को भी मैं जगाई थी तो साथ ही मैंने मैंगो निकाले और साथ ही बनाना. बच्चे सुबह सुबह इसी का शेक पीते हैं. वैसे अब क्योंकि आगे से उनके कॉलेज स्टार्ट हो जाने हैं तो वो ज़ाहिर है सुबह जल्दी जाग जाएंगे. तो वो अब मैंगो बनाना और साथ में स्पिनिच पाउडर हो या अगर फ्रेश स्पिनिच मैंने फ्रीज़ की हुई हो तो उसके लीव्स अंदर ऐड करके. पहले कभी वाटर में बना दिया मिल्क में. बस दोनों में बच्चे शौक से पी लेते हैं. तो और इसके बाद मैंने लेकिन नाश्ते से पहले मैंने लेना होता है जनाब मेथी दाना. भिगो के फ्रिज में रखा हुआ होता है और मैं सब लेडीज़ को कहती हूँ कि ज़रूर लिया करें. हॉर्मोन्स भी अच्छे रहते हैं और इसे बोन्स का मसला नहीं होता. ये ब्लैक सा जो नज़र आया था ना ये ब्लैक सीड था अंदर और पानी के साथ. बस ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं. 1/2 teaspoon बस मैं पानी के साथ पहले इनको ले लेती हूँ और फिर बच्चे भी और हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के ना. बस संडे होती है बच्चे भी कॉलेज से इनको छुट्टी होती है और मैं भी थोड़ी फ्री होती हूँ इस टाइम पे तो नाश्ता वगैरह करती हूँ. और आज क्योंकि हमारी हेल्पर भी नहीं आती कोई मेड वगैरह नहीं होती तो बस अपना आराम से. मतलब पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है जब मेड ना हो तो सुकून होता है. आप फ्री जो है घर का सारे काम करते हो. अब मैं पूरा पहले घर संभालती हूँ. अब क्योंकि बच्चों ने कुछ खा पी भी लिया था घर संभालने के बाद मैंने अगर अपना कुछ चैनल का काम हो तो वो कर लेती हूँ और उसके बाद जनाब मैं नाश्ता बनाऊँगी. मैंने सेट कर लिया और क्योंकि आज संडे है और हेल्पर भी नहीं होती तो घर की सफाई उस तरह मेन नहीं होती. लेकिन ये है कि अभी थोड़ी देर में मैं करूंगी नाश्ता बनाने के बाद. लेकिन उससे पहले मेरे पास 1 घंटा था तो मैंने कहा यहीं पे प्रोडक्ट्स रख के ना जल्दी जल्दी शूट कर लेती हूँ. ये मेरा ट्राइपॉड है और प्रोडक्ट्स वगैरह जो नज़दीक से दिखानी होती है तो वो यहाँ पे दिखाती हूँ. और पर्पज भी यही होता है तो कि आप लोगों को भी ना डिटेल में एक दफा पता चल जाए. रिंग लाइट होती है लाइट अच्छी सेटअप करके कुछ यहाँ पर या नीचे बेसमेंट पे भी है वो भी टेबल है वहाँ पे दिखा लेती. तो अभी मैं जल्दी जल्दी ये करूंगी लेकिन अभी फिर भी मेरे पास टाइम है तो मुझे थोड़े अंदर शॉर्ट्स लेने हैं. वीडियो में जो शूट कर रही हूँ वो फाइनल आप लोगों को दिखाऊंगी और उसके बाद हम मेन जो है वो नाश्ता बनाएंगे. तो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर लूँ क्योंकि ये वाली क्रीम्स मैंने कर ली है तो बस ये रह गई है. अच्छा अभी तक मैंने अपने चैनल के ऊपर ना बैटे की और मैंने की उसकी कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी तो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई मुझे अभी हैंड और फीट के लिए बताएं. तो ये मैं अपने वॉशरूम में ना ये 3 bottles हैं ट्यूब्स हैं ये रखी होती हैं मैनीक्योर और पेडीक्योर. वैसे तो अगर आप अपने हाथों को नीट एंड क्लीन जो रखते हैं उससे भी काफी बेहतर रहते हैं लेकिन फिर भी कई दफा मैं खुद भी इतनी हो जाती हूँ कि नहीं टाइम मिलता. एक चीज यहाँ से ना आप लोग इन दोनों का ना स्क्रीन शॉट ले लें ठीक है. ये सॉफ्ट इसकी साइड है और ये वाली साइड इसको जरा नजदीक से देख लें आप ठीक है. ये ओरिजिनल है और ये इसकी कॉपी मैंने एक कॉस्मेटिक स्टोर से लिया था ठीक है. इसको यूज करते हुए ना आज मैं कहती हूँ तीन चार साल हो गया लेकिन इसकी कंडीशन आप देख लें. और मैनीक्योर और पेडीक्योर के लिए जो मेरी फेवरेट है ना वो ब्लश द फेस की ये वाली किट्स आपको इस तरह ट्यूब पैकिंग में मिलती हैं. राइट साइड पर मैनीक्योर है और लेफ्ट साइड पर पेडीक्योर की पैकिंग है. अच्छा ये दोनों किट्स की प्राइस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सबसे पहले सोप
के नाम से जो आपको ट्यूब मिलती है ना, उसे आप इस तरह हाथों पे लगा लें या डायरेक्ट वाटर के अंदर भी आप 1 से 2 स्पून अगर डाल लेते हैं तो बेस्ट काम करती है। हल्का सा नीम गर्म पानी हो तो आप 5 से 10 मिनट्स रखेंगे, क्यूटिकल्स आपके जितनी नेल्स गंदे डर्टी हैं, हैंड के ऊपर डेड स्किन है, सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छी तरह आपने पहले अपने हाथों के ऊपर से मैल को चेहरा अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है, और उसके बाद सेकेंड स्टेप, अगर आपकी बहुत ज़्यादा टैनिंग है और बहुत ही नकल्स डार्क हो गए, आपको किसी शादी पर जाना है तो ब्लीच मस्ट करें, पार्लर्स में मस्ट वो लोग करते हैं ताकि रिजल्ट आपको ज़बरदस्त नज़र आए। उसके लिए ब्लश द फेस की जो ये ब्लीच क्रीम है, आपके बाल जितने अगर स्किन के ऊपर फेस पे ये यूज़ की जाती है, मतलब इतनी सेफ़ है, तो आप इजीली अपने हैंड और फीट पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसको जनाब, इसके बाद स्क्रब है। मैंने क्यों ब्लीच नहीं की, क्योंकि मेरी स्किन को भी ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद स्क्रब मैं लगाती हूँ। प्रोडक्ट्स के बैक साइड के ऊपर देख लें, एक्सपायरी डेट भी दी गई है, और स्क्रब आप देख सकते हैं, इसके इंतहा के फाइन पार्टिकल्स हैं। 5 से 10 मिनट्स आप फीट पर लगा के रखें, और मैं तो टूथब्रश के साथ ही अपने नेल्स की जो जगह है वो करती हूँ, क्योंकि मेन आपके नेल्स ही गंदे हुए होते हैं, तो उससे नेल्स साफ़ भी हो जाते हैं, आपके क्यूटिकल्स भी साथ साथ सॉफ्ट होकर रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। एड़ियाँ जो है, मैंने आपको शुरू में जो एक्सफोलिएटर दिखाया था उसी के साथ मैं साफ़ कर लेती हूँ, और स्किन ऊपर से डेड स्किन अच्छी तरह उतर जाती है। फिर अच्छी तरह मैं अपने फीट और हैंड को यहाँ पर वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद जना मास्क लगाना होता है। मास्क ना ब्राइट करता है, आपकी स्किन को फेयर कर देता है एकदम, मैं आपको सही से बताऊँ तो। इसके अंदर चाहे तो जो सीरम साथ में दिया जाता है ना, 1-1 ड्रॉप आप वो भी मिक्स करके लगा सकते हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क नकल्स हैं। जो मैनी पेडीक्योर के लिए सीरम, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं यहाँ 10 मिनट्स रखूँगी, और अब आप देख लें, मैंने पानी ऊपर किया है और वो भी स्लिप हो रहा है मेरे हाथों की स्किन, मतलब इतनी सॉफ्ट और डेड स्किन ऊपर से उतर गई है। यही मेरे हाल जो था वो फीट का था। इसके बाद एक्स्ट्रा मॉइस्चर के लिए इंटेंसिव केयर की ये ट्यूब आपको इसी किट में मिलती है, और साथ में ये मैनी पेडीक्योर का सीरम है, जो कि विटामिन ई जिसमें है, और इसके इंग्रेडिएंट्स आप कभी पढ़े तो हैरान हो जाएंगे, विटामिन B, E, 3, 5, जो वो विटामिन जो कि आपकी स्किन को फेयर करता है, आपके क्यूटिकल्स जो है वो भी साथ साथ रिमूव होते हैं, और आपके नकल्स जो हैं वो वाइट हो जाते हैं, तो वो इसमें ऐड किए गए हैं। अच्छा, फीट को वॉश करने के बाद फिर आपने ये क्रैक क्रीम ऊपर से लगानी है, और अगर आपके बहुत ज्यादा ब्लैक नकल्स हैं या स्किन ऊपर से ब्लैक हुई हुई है तो आपने सीरम इसमें जरूर मिक्स करना है। मैं जो ये वाली क्रीम है ये अपने बेड के साथ साइड टेबल में ज्यादा रखती हूँ, फुट की और हैंड की जो है, क्योंकि बता रहा आपको सोते हुए जो आप लगा लेते हो ना उससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्रैक हील्स है तो फिर आपको रात को सोते हुए ये मस्त लगानी है। अच्छा, ये बिल्कुल ऑयली फील तो नहीं होती, बड़े अच्छे से आपके पाँव में की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। और अभी आप देख लें फीट जो है कैसे हुए रेडी। मैं ना जल्दी से बच्चों को नाश्ता बना के देना, वो जल्दी से तो बना रही हूँ। बच्चों ने कहा है कि हमें पराठे बना दें, और साथ में चाय रखी है मैंने। इस टाइम जिसने एग लेना होता है वो बना देती हूँ, लेकिन अभी सिर्फ उज़ैर और हिशाम ने कहा है। उमैर जो है वो बटर लेता है, तो अभी उज़ैर मेरी हेल्प साथ में करा रहा है। उमैर तुम्हारा, उज़ैर तुम्हारा कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है? सितंबर। उज़ैर का सितंबर से कॉलेज स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी इसका ए लेवल का रिजल्ट नहीं आया। हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, ऊपर आना के। अच्छा, प्लेट्स निकालो मेरे बच्चे। बस अब मैंने इसको बुलाया, पानी पीने आया था, मैंने कहा 2 मिनट ज़रा मेरे साथ लग जाओ, थोड़ी मेरी हेल्प करा दो। कप्स भी वहाँ से निकाल के रखो ना, जल्दी जल्दी से चाय डालें। अच्छा, पराठे जो हैं वो डॉन के बन रहे हैं, अभी प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। और ऊपर देसी घी बस लगा दो, बस नहीं नहीं दूसरी साइड से भी थोड़ा सा कुक करो और इसको, हाँ इतना डार्क ब्राउन हो जाए ताकि ना थोड़ा सा प्रेस करके ना ज़रा अच्छी तरह कुक हो जाए। थोड़ी डालना, बहुत ज़्यादा ना डाल दूँगा। दिल होता है कि किचन भी इस तरह हो जाए सारा, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, बच्चों के आके बैठने तक ना जल्दी से साथ ही किचन कर लिया। और मैं जो है वो ब्लू बैंड लेता है, हाँ रोज़ाना उसकी ये आदत है, साथ में दही भी होती है वो भी लेता है, और बच्चे भी ऊपर से खा लेते हैं, लेकिन इनकी आदत बस अब ये गर्मियों में ज़्यादा बन गई, अंडे वगैरह नहीं खाते। और मैं साथ ये काम करूँगी, और साथ चाय के साथ जो है ना इस टाइम हाफ ही लूँगी, इससे कम ही पीऊँगी, लेकिन बस आदत है कि थोड़ी सी ना चाय ज़रूर लेती हूँ। कोशिश तो मेरी यही होती है कि जब डाइनिंग टेबल पे हों या बच्चे साथ हो तो मोबाइल को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, ना बच्चे लगाएं, ना मैं, तो हम आपस में ही बात करें। लेकिन मेरा काम इस तरह से होता है कि कभी कोई कॉल आ जाती है, कभी कोई मेल या अर्जेंट आपको रिप्लाई करना पड़ता है, तो मैं वही करती हूँ। लेकिन बच्चों को देख के मेरी भी कोशिश यही होती है कि मोबाइल जो है अपना साइड पर रख दूँ। तो यूँ दिन का तकरीबन 11-12 बजे हम आधा घंटा तो इस तरह गुजार लेते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई काम हुआ कुछ, इसके बाद हमने इकट्ठे होना होता है तकरीबन दिन के खाने के टाइम, तो वो हम बिल्कुल
मिल के खाते हैं, उमेर कॉलेज से आता है तो वो, और इसके बाद फिर रात का खाना हमने इकट्ठे खाना होता है। बाकी यही है कि घर में भी सारे ऐसे नहीं हैं कि मतलब घर में चहल पहल होती है लेकिन इकट्ठे कहना के बैठ जाएं वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये दिन का खाना मैं रख रही हूँ, इसके बाद 3 बजे नासिर और बच्चे चले गए थे। उज़ैर का आपका कह रहा था कि मैंने मानो लेनी है, बिल्ली लेनी है, तो मैं इसको प्रॉमिस कर रही थी कि नए घर में लेंगे। फिर नए घर में मेरा ये था कि मौसम ज़रा अच्छा हो जाए, लेकिन उसको इतना प्यार है एनिमल से, इतना उसका को पेट चाहिए था और वो बहुत मिस करता था, हर वक्त वीडियोज़ देखता था। तो मैंने कहा चलो उसको ले देती हूँ, वो कहीं लगा रहेगा, अल्लाह का शुक्र है आप खुश है वो बहुत ज़्यादा। बस फिर खाना वगैरह रखा, फिर मुझे ये था कि बस अब मानो आ गई है, आप लोग ना बस इसको पहले इसको मतलब शावर दिलाएं तो तब इसको अंदर लाएं, जल्दी जल्दी बस मैंने खाना रखा, इन्होंने खाना खाया तो उसके बाद फ़ौरन से ये बाहर लेकर चले गए थे। तो उन्होंने मानो को शावर दिलाया था जॉनसन्स बेबी शैम्पू से, 2 दफ़ा इसको नहलाया, मतलब इसको साफ़ किया। मेरा दिल है कि कुछ दिन लगातार इसको साफ़ सूफ करेंगे तो तब ही है। बच्चों ने अल्लाह का शुक्र है खाना खाया, कोफ्ते आलू बने हुए थे, मेरे हस्बैंड हलीम और नान बाहर से लेकर आ गए थे साथ ही आते हुए। उसको मेरी भी चाय बना ले, आज तो आप बना रही। हाँ जी बस अभी मैं जल्दी से ही चाय बनाऊंगी और तुम्हारे पापा को जो आपके लिए कोई चाय नहीं है आप खुद अपने बनाओ। माँ मैं तो अनु ऐसा कहना मैं। अच्छा आई सर मैं आपको मानो दिखाती हूँ, चाय थोड़ी सी रख जाऊँ। छोटी छोटी पी सोया हुआ था। जिसने अभी जॉनसन बेबी शैम्पू से 2 दफ़ा नहाइयाँ की और पापा के पास बैठा हुआ लाम से अपने माता के पास। जितने ना वो जहर साहब नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, जितने इसका जो खाना आएगा इसका हाउस लेना, अभी इसकी चीजें हाउस लेना है ना इसका, फिर रहेगी किधर? ये यहाँ नहीं रहेगी, दिस इज माय सारा हाउस है अम्मा, ये देखें इतना बड़ा हाउस। अच्छा जी मैं अभी जा रही थी और ये देखें उज़ैर साहब क्या कर रहे हैं। उज़ैर इतनी काली चाय क्यों पी रहे हो? मुझे लगता है वो मिल्क कम डाला उसमें है ना। मानो हाथ वॉश कर रहे हो साथ साथ जी। और ये देखें जरा इधर क्या हो रहा है, कोक भी और चाय भी, साथ चाय भी और साथ कोक भी और साथ रस भी और साथ में डाइटिंग भी हो रही है। ठीक है ये सारे काम ना सेम टाइम हो रहे हैं, ये देखें आप भी कम नहीं है। ठीक है मैं आपको सुबह दिखाऊंगा जो आप तो पता। अच्छा जी मैं आ गई हूँ घर और हमारी ना वैसे रोजाना की ये रूटीन होती है कि जो भी चीजें बाहर से आती है ना बच्चे गाड़ी पे ना ला के यहाँ पर रख देते हैं। एक तो ये पुलाव लिया बाहर से अभी रात के लिए और मैंने अपने दूसरी ये मैंने ली है, मैं आप लोगों को पहन के दिखा रही हूँ। ठीक है घर की चीजें ली हैं और ये चार ही ली है, अभी 2 मैंने लिए हैं, इसके एक ये गार्लिक पिकल लिए और साथ में ये देखिए ये जो गोंदा पिकल आई थिंक वो जो लसूड़े का अचार होता है ना ये वो वाला। और बस अपनी थोड़ी सी चीजें थी, ये थोड़े कॉटन पैड थे, ये वाले जो मेकअप वाइप्स हैं और बस ये चिल्ली और ये रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, घर का बाकी का सामान। तो मैं बस बच्चों को खाना दे लूँ तो बाकी की बातें करते हैं फिर। इसकी पहले अनबॉक्सिंग की क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे तो मैंने कहा खाना जो है वो बाद में खाते हैं। देखिए बहुत मजे का केक है, मैं कहती हूँ आजकल जो घर की लेडीज है ना वो ज्यादा मतलब मेहनत बहुत कर रही हैं और इन्होंने अपना ऑनलाइन जो है वो पेज बनाया वो जरा केक चेक करें जरा, इतना यम्मी और टेस्ट बहुत अच्छा है इसका और सॉफ्ट। ये देखे सामने मैंने केक जो है वो इतना मजा आता पहले खा लिया, बट बच्चों को ना यहाँ पे खाना भी जो है वो भी शुरू कर दिया उन्होंने तो अब खाना वगैरह खा ले। तो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरी संडे की रूटीन आप लोगों ने देखी होगी, बिल्कुल घर की रूटीन होती है कुछ इतना खास नहीं होता। तो अब आप लोगों से फिर मिलूंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।